नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विजयपुर में अकीदत के साथ दफन की गई ताजिया, ड्रोन से की गई निगरानी। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत विजयपुर बाजार में गर्मजोशी के साथ ताजिया निकली गई। सबसे पहले मिसिरपुर गांव की ताजिया निकली गई। मुहर्रम पर क्षेत्र के विजयपुर गांव में रजानगा, तुर्कान मोहल्ला, छिपहटी मोहल्ला से निकली ताजिया कंतित कोठी से एक साथ तकिया करबला पर दफन की गई। इस दौरान काफी संख्या में जुलूस की शक्ल में मुस्लिम बंधु मातमपुरसी करते हुए आगे बढ़ते रहे। मिश्रित आबादी वाले विजयपुर बाजार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। राजा विजयपुर के हवेली के सामने सभी ताजिया एकत्रित हुई। एक साथ कई ताजिया देख सभी लोग काफी प्रसन्न दिखे। बेहसरा व नरोहिया, भामवा, जरेला, हरगढ़, गोगांव, बिरोही, गोडस, करबला पर आसपास के गांवों से पहुंचे ताजिया दफन किए गए। ताजिया के जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़े की थाप पर या हुसैन कहते हुए मातमपुरसी किया गया। चौकी प्रभारी गईपुरा आनंद शंकर सिंह अपने दल बल के साथ चौकन्ने दिखे और वही पीएसी बल भी डटी रही। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज जी, जो आज आपका ये त्यौहार मुहर्रम का त्यौहार है, ये क्यों मनाया जाता है और क्या मकसद है इसका? इसमें जो है मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन को यजीद 22,000 यजीद लश्कर ने 72 लोगों को जो है शहीद कर दिया। उसके गम में हम जो है मुहर्रम के पर्व को मनाते हैं। ये गम का त्यौहार है। विजयपुर बाजार में लगभग कितनी ताजिया निकाली गई है? अभी तो 3 ताजिया शाम को निकली है और रात में 4 ताजिया निकाली गई थी और 1 ताजिया अलग से निकाली गई थी जो मिसिंग कर रहा था। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, शासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। और कहाँ पे दफनाएंगे आप लोग? ये करबला ले जाकर के दरगाह है, वहाँ करबला है, वहाँ पर जो है अंतिम जो है।